नारायण की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, वंदे वंदे जय श्री राम। हर 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 रहिला हेच। आणि विश्व हिंदू परिषद पिंपरी चिंचवड जिल्हा जिल्हा मंत्री असं त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे। त्याचप्रमाणे सोमनाथजी बोडके सर ह्या गहुंजेमधून त्या राहिला आहेत आणि प्रबोधन मंच प्रमुख पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा अशी त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे। आणि आमचे मार्गदर्शक संतोषजी गायकवाड हे प्राधिकरण निगडी येथे राहतात आणि धर्मजागरण पुणे विभाग संयोजक म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे। आणि त्याच्या प्रमुख वक्त्या माधवी लताजी यांचं आपका पिंपरी चिंचवड नगरी में थोड़ा मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ हिंदी में बात करने का, ज्यादा मराठी आएगा उसमें तो संभाल के लीजिए। आपका इस पिंपरी चिंचवड नगरी में दीदी आपका सहर्ष स्वागत है। हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए मावलों ने अभी घोषणा दी, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ हैदराबाद का निजाम आज डर गया होगा। बोला छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। ये पिंपरी चिंचवड नगरी जहां पे जगतगुरु तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माऊली, छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, सावरकर ऐसे महान विचारवंत साधु संतों से पदस्पर्श से पावन हुई ये नगरी में आपका सहर्ष स्वागत है। नमस्कार सगळ्यांना, पुन्हा एकदा मी मंचावरील सर्व उपस्थितांचं स्वागत करतो आणि खास करून माधवीताईंचं आपणा सर्वांच्या वतीने स्वागत करतो। आता निवेदकांनी माधवीताईंविषयी थोडक्यात माहिती सांगितलीच की माधवीताईंचे जे काही सामाजिक कार्य आहेत किंवा राजकीय कार्य आहेत ते आपण सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे, अनेक वेळा बातम्यांमधून किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे। पण ज्या भागातून त्या येतात तर तो खरं तर मुस्लिम बहुल असा तो भाग, आणि त्या भागात जास्त करून जी काही मदत होती ती ताईंची मुस्लिम भगिनींनाच जास्त होती। त्याकरता त्याच्यामुळं कोणत्याही प्रकारचं जे हिंदुत्वाचं जे आपल्यावरती शिक्का मारला जातो की आपण फक्त हिंदूंचं, हिंदुत्व जर टिकवायचं असेल तर हिंदुत्वामुळं सगळ्याच जाती धर्माचा फायदा होतो। त्याच्यामुळे एकदा जोरदार टाळे आपण एकदा ताईंसाठी देऊया जोरात, की ताईंनी ज्या मुस्लिम बहुल भागात राहून जी काही कामं केली त्या कामाच्या बळावर आत्ताच्या लोकसभेच्या मतदानाच्या वेळी त्यांना तब्बल 3,26,500 अधिक मतदान ताईंनी आत्ता नुकतं घेतलेले। त्यामुळे एक साधी सुधी व्यक्ती नाहीये, आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे जे काही आता हिंदू स्वाभिमान मेळावा आज आपण या ठिकाणी पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये या विमल गार्डनमध्ये करतोय, तर त्या हिंदू स्वाभिमान मेळाव्यासाठी सकल हिंदू समाज समितीच्या वतीनं हे सगळं नियोजन आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याबद्दल मी प्रथम समितीच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की या सगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन कशासाठी केलं जातंय, त्याची एक थोडक्यात फक्त मी माहिती आपल्याला समोर देतोय की नुकतंच आत्ता लोकसभेची निवडणूक होऊन गेली आणि त्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक झाल्यावरती आपण सगळ्यांनी एक शब्द ऐकला तो म्हणजे वोट जिहाद। आणि त्याच्या आधी आपण लव जिहाद असेल, लँड जिहाद असेल, जसं की आता आपल्या आधीच्या वक्त्यांनी या ठिकाणी वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून लँड जिहाद काय ते आपल्याला सगळ्यांना सांगितलं, थूक जिहाद असेल किंवा अन्य अन्य व्यावसायिकांचे जिहाद असतील, व्यावसायिक अतिक्रमण करण्याचे जिहाद असतील, असे अनेक जिहाद आहेत। त्या जिहादापैकी एक जिहाद नव्याने आता तो पुढे आला तो म्हणजे वोट जिहाद, ज्याची पार्श्वभूमी कर्नाटकच्या मतदानाच्या वेळेस आपण सगळ्यांनी त्यांनी मुस्लिम समाजाने हेतू परस्पर त्याची लिटमस टेस्ट कर्नाटकच्या विधानसभेत घेतली आणि त्या ठिकाणी ती यशस्वी करून दाखवल्यानंतर तो प्रयोग त्यांनी संपूर्ण देशात राबवला आणि एक हट्टा मतदान त्यांनी अख्ख्या संपूर्ण देशाभरात त्यांच्या समाजाचं हिंदुत्वाच्या विरोधात असलेल्या उमेदवाराला करून दाखवलं आणि त्याचा तब्बल मोठा फटका आपल्याला त्या ठिकाणी सगळ्यांना बघायला मिळाला। ती पुनरावृत्ती आगामी काळामध्ये या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये होऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी आत्ता आपण इथं जण जेवढे जेवढे जण जमलेलो आहोत, आपण खरं सगळे सर्वसामान्य नागरिक नाही आहोत तर आपण सर्वजण हिंदुत्वाचे शिलेदार आहोत। ज्याप्रमाणे पावनखिंडीमध्ये काही शेकडो मावळ्यांनी हजारो गनिमांना रोखून धरलेलं होतं, आता आपल्याला इथून पुढच्या काळात माधवीताईंना ऐकल्यानंतर आपल्याला सुद्धा आगामी विधानसभेच्या दृष्टीनं आपल्याला हिंदुत्वाचा झेंडा पुढे न्यायचा, आपण कुठल्या पक्षाचे किंवा आपण कुठल्या उमेदवाराचं म्हणून काम आपण करायचं नाहीये,
पण आपल्याला जे कळलं सावध ऐका पुढील हाका, म्हणजे ज्या हाका सावध ज्या काय माझ्या मी माझ्यासारख्याने अनेक कार्यकर्त्यांनी ज्या ऐकल्यात त्या तुम्हाला ऐकवण्याचं काम आपण करणार आहे आणि त्या हाका आपण पुढे आपल्या समाजाला ऐकवायच्यात की काय आपल्या पुढच्या अडचणी. त्याची फक्त एकच चुनूक फक्त मी सांगतो की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला मतदानाची जी काही मर्यादा दिलेली आहे की 18 वर्षाच्या पुढे गेलं की आपण मतदान करू शकतो. आणि आत्ताच्या घडीला एक केंद्र सरकारचा अहवाल आहे की संपूर्ण देशामध्ये साधारण 90,000 बालक रोज जन्माला येतात आणि त्या 90,000 तब्बल 45,000 बालक ही मुस्लिम समाजातली जन्माला येतात. म्हणजे 50% ही मुस्लिम समाजातली आहेत आणि 50%मध्ये मग तुम्ही आम्ही सगळे आलो, मग त्यात हिंदू शीख बौद्ध दलित किंवा ख्रिश्चन हे सगळे आले. पण ह्या 50% ही जी काही धोक्याची घंटा रात्र वायरेची आपण सगळ्यांनी जागृत झालं पाहिजे. किमान काल परवा सुरेशजी चव्हाणकेंनी पण सांगितलं किमान 2 बालकं हिंदू धर्मामध्ये आपल्या प्रत्येक घरात जन्माला आली पाहिजे. कारण या जन्मदरावरनं जर का 18 पुढचं जर का जे आता मतदानाची आकडेवारीचं जे आपल्याला अधिकार आहे ते जर यदा कदाचित जर 15 केलं तर, कारण मुस्लिमांचं आता आपल्या सगळ्यांनी ऐकलंय माध्यमांच्या माध्यमातून की 2047 साली त्यांना गजवा हिंद करायचंय. गजवा हिंद म्हणजे काय, तर ह्या हिंदुस्थानला त्यांना मुस्लिम राष्ट्र करायचंय आणि मुस्लिम राष्ट्र करायचंय तर लोकसंख्या वाढवायची आहे. लोकसंख्या वाढवून लोकशाहीच्या मार्गाने मतदान करून आपली माणसं लोकसभेत विधानसभेत ज्या ज्या ठिकाणी प्रशासनात पाठवून त्यांना ते करायचंय. मग जर आता जर 18 वयोमर्यादा जर 15 झाली तर त्यांचं 2047 जे स्वप्न आहे ना ते 2047 साली नाही 2047 सालीच पूर्ण होईल बांधवांनो. यदा कदाचित ती जर वयोमर्यादा 15 वरून 12 वर केली ना तर 2047ची सुद्धा आपल्याला वाट पाहावी लागणार नाही. आगामी 2-3 वर्षात 2027 सालीच हे हिंदू राष्ट्र सोडून हे मुस्लिम राष्ट्र होईल आणि त्यांना त्यांचे जे काही प्रशासनात महत्वाच्या पदांवरती अगदी राष्ट्रपतीपर्यंत सुद्धा त्यांची माणसं ते बसवू शकतात. त्यामुळे ह्या सावध ज्या हक आहेत त्या आपण ऐकल्या पाहिजेत आणि इथून पुढच्या काळात आपल्याला जो अधिकार लोकशाहीने दिलेला आहे तो मतदानाचा खास करून अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळं जी चूक आपण सर्वांनी लोकसभेला केली ती चूक आता आगामी, कारण राष्ट्र मेले महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले राष्ट्रविना महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले हे जे काय आपल्याला आधी सांगितलेलं आहे खरोखर तसंच आहे. संपूर्ण भारताची मदार हिंदुस्थानची मदार ही आपल्या महाराष्ट्रावर आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रासाठी किमान आपल्याला आपल्या हिंदू धर्माचे राष्ट्राचे आपल्या सगळ्या संस्कृती परंपरांचा विचार करणारी आपले लोक या ठिकाणी विधानसभेमध्ये पाठवायचे. त्यामुळे हिंदू धर्माचा हिंदुत्वाचा विचार करणारेच उमेदवार कसे जातील त्यासाठी आपण सर्वांनी आगामी 20 तारखेला मतदान तर करायचंच आहे. मतदान करून आपल्याही भागातल्या आपल्या जवळच्या लोकांचं सुद्धा मतदान करून घ्यायचंय. म्हणूनच मी मागाशी उल्लेख केला की आपण सामान्य कार्यकर्ते नाही, आपण सामान्य नागरिक नाही. जे पावनखिंडीमध्ये ज्याप्रमाणे मावळा लढला त्याप्रमाणे लढणारे आपण सगळे मावळे आहोत. त्यामुळे एवढंच फक्त आव्हान मी आपल्या या निमित्ताने करतो आणि पुन्हा एकदा माधवजींना मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांसाठी वेळ देऊन आल्यात. मी आधीच वेळ न घेता आपल्याला सगळ्यांना माधवजींनाच ऐकायचंय. एकदा जोरदार आपण घोषणा देऊया, बोला भारत माता की, भारत माता की. दोन्ही हाताच्या मोठ्या आवळायच्या, दोन्ही हाताच्या मोठ्या बोला जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. धन्यवाद. यानंतर जय श्रीराम, 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 जय जय सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी जाके मळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे पण कामना पूर्ती जय देव जय मी जय बोलो गणेश महाराज की. आज इस मंच पर मैं गणेश भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ. हे गणेश पप्पा, आज हम जो भी बोलने चले हैं हमारे मराठा वीरों को जो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज से कुछ कम नहीं है, आज हम जो भी कहने चले हैं हमारे नारी शक्ति को जो स्वयं जीजा बाई से कुछ कम नहीं है,
लेकिन क्या इतिहास में ऐसा भी देखने को हमें मिल रहा है कि हमारा ही शक्ति आज कहीं ना कहीं डर गया है। आज ये बात बार बार स्वयं को सवाल करने का समय आ गया है। ऐसा एक भारत जिसने महावीरों को जन्म दिया है, ऐसा एक भारत जिसने झांसी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसे वीर नारियों को जन्म दिया है, ऐसा एक भारत जिसने सरदार वल्लभभाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे देशभक्तों को भी जन्म दिया है, ऐसा एक भारत जिसने भगवान रामचंद्र, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा और शंकर जैसे भगवानों को हमारे लिए दिए हैं। क्या आज उस भारत ऐसे एक दिन को देखना पड़ रहा है कि हम ही को हमसे परिचय करवा रहा है? कौन है हम? हमारा पहचान क्या है? कहां से हैं हम? अगर हम किसी से कहना है कि हम कौन है, तुम कहां से प्रारंभ करें? जिसका ना तारीख है, जो विश्व से भी पुराना है, जो सनातन है, जो हमको संरक्षण करता आता था, आज उसके संरक्षण के लिए क्या हम ठहर नहीं पा रहे हैं? ऐसी क्या कमजोरी है जो हमको इतना बलहीन बना दिया है? हम सबको आज एक मिनट के लिए स्वयं से सवाल करना पड़ेगा। हम बड़े बड़े पुस्तक नहीं पढ़े हैं, ना हम बड़े राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जानने की पूर्ण प्रयत्न की है निष्ठापूर्वक, और उसी को हमारे जीवन में हम सदा पालन करने की छोटी सी प्रयत्न की है, जिसके वजह से इतने सारे चाहने वाले और हमारे हमको आशीर्वाद देने वालों को हमने पाया है। हम अपना ही कहानी में से हम आपको चंद ऐसे बातें आपको समझाएंगे। हमारे पोटली में से निकालकर हम ऐसे चंद आपको सच्चाइयां देंगे। उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप निकल पड़ेंगे या नहीं उस जंग लड़ने, जहां जीत हमारी भारत की होनी चाहिए, भारत की संस्कार संस्कृति की परंपराओं की होनी चाहिए, और भारत माता के सही सच्चे सपूत हमको बनके दिखाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हम जब निकल पड़े थे, हम क्यों हैदराबाद यानी पुरानी बस्ती को हमारा क्षेत्र बनाए थे? ये तो सब जानते हैं, वहां पर 60% तक मुसलमान भाई और बहनें रहते हैं, और 50 सालों से उस क्षेत्र को पालन करने वाले व्यक्ति भी मुसलमान ही है। तो बस हमारा सवाल एक ही था उनसे, तो क्यों मुसलमान गरीब ही गरीब रह गए? क्यों
क्यों उनके यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, क्यों उनके वहां बेरोजगारी है, क्यों क्यों जब राज्य जैसे गुजरात एक होनहार व्यक्ति के हाथ में आता है तो वहां मुसलमान भाई भी आबाद हो जाता है, क्यों? क्या राज है इसके पीछे, क्या राज है इसके पीछे, क्यों? सऊदी अरेबिया दुबई जैसे इस्लाम देशों में भी हमारे मंदिर बनाए जाते हैं, क्यों? क्यों यहां पे जहां पर हिंदू के विरोध जहां पे राज्य करते हैं मंदिर टूटते हैं और तोड़े जाते हैं, क्यों? क्यों हमारे पड़ोस देशों में हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े कर कर कत्ल किया जाता है, क्यों? फिर भी उस देश में जिस मजहब है वहां पे उन्हीं मजहब के लोग गरीबी के दलदल में हैं, क्यों? क्यों हमारे पड़ोस देश पाकिस्तान जिस दिन से हमसे छूट कर निकल गया आज तक गरीबी में है, क्यों? क्यों उत्तर प्रदेश जिस महान इंसान के हाथ में आया उस दिन से वो क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों? यही सवाल मुझे बार 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 मुझसे सवाल कर रहे थे, इसका जवाब मुझे ढूंढना था, इसीलिए हम आगे राजनीति में निकल पड़े। हम पुरानी बस्ती में हैदराबाद जो हमारा आज हम बड़े गर्व से कहते हो हमारा क्षेत्र है, भले ही इलेक्शन कमीशन के लिए हम हारे होंगे लेकिन जीतने वालों को हमने ऐसा भगा भगा कर भिजाए। गलती पे गलती गलती पे गलती गलती पे गलती करना पड़ा जीतने के लिए, भला वो भी कोई जीत है औरत के ऊपर? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया जब स्त्री शक्ति का रूपण धार लेती है तो भागना ही पड़ता है। जब हम उस मोहल्ले में गए थे उस गलियों में गए थे ऐसे कई गरीब पसमंदे जिनके घर में रोना बेबसी गरीबी बाल मजदूरी इतनी भयानक रोगों से पीड़ित शरीर औरतों की जिल्लत के अलावा कुछ नहीं था, क्यों? 50 सालों से तो उन्हीं का राज्य चल रहा था। ये सवाल का जवाब मुझे ढूंढना था, क्यों उनके यहां अनपढ़ बेरोजगार लोगों को जानबूझकर बढ़ाया जाता है संख्या में ताकि उनके अंदर एक डर पैदा कर सके और उस डर के ऊपर राज्य कर सके वो लोग। अगर सही में इस देश को हम सेक्युलर बनाना चाह रहे हैं तो याद रख लीजिए जिस दिन हम राज्य करेंगे उसी दिन सच्चा सेक्युलरिज्म आएगा इस देश में। अगर आप में से कोई सेक्युलर है तो भाई मैं आपसे विनती करती हूं हिंदू धर्म को पहचानो, क्योंकि हिंदू धर्म से बड़ा दयालु धर्म ही नहीं है। जिन महाशय ने आज रामचंद्र का नाम अभी लिए है उनसे बड़ा सेक्युलर कौन हो सकता है जिन्होंने विभीषण का राज्य पट्टाभिषेक करवा सके हैं।
उनसे ज्यादा सेक्युलर कौन हो सकता है जो सबरी है एसटी को आज मानते उनके झूठा का ना खाए है। उनसे बड़ा दयावान कौन हो सकता है जिन्होंने जिस नाव से चल पड़े वो ऐसी है। हिंदू धर्म हर वक्त हर समय एक ही सिखाया है कि हर मानव भगवान का प्रतिरूप है और इतना बड़ा सीख सिर्फ हिंदू धर्म ही दे सकता है। इस धर्म को सवाल करने से पहले सवाल करने के उस स्तर पर उठो तो सही है महान इंसान। आज सऊदी अरेबिया जैसे देश भी हमारे प्रधानमंत्री को न्योता देकर मंदिरों का अगर उद्घाटन करा सकते हैं, इसका मतलब है कि हर मजहब को एक जीवन विधि विधान सिखाने वाले धर्म से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म है ये मजहब नहीं है। जब से स्वतंत्रता आई है उस दिन से लेकर आज तक अगर हम गौर से देख सकें, मेरे हिसाब से हम तीसरी या चौथी पीढ़ी है। हमारा वेशभूषण बदल गया है, हमारे खाना पीना बदल गया है, उठना बैठना बदल गया है, बात करने का ढंग बदल गया है, भाषा बदल गया है, और यहां तक कि हमारा सोच विचार इतना बदल गया है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि हमें आगे लेके जाने वाला एक ही धर्म हिंदू धर्म है। हमने उसका हाथ जिस दिन से छोड़ दिए हैं, हम में से कई लोगों को नहीं पता, हम अनाथ हो गए हैं। हम आपसे की सवाल करते हैं, जिस धर्म से जिस मजहब से पूरा पाश्चात्य देश चलते हैं, उनको स्वयं नहीं पता था भूमि गोल रहती है। अब बताइए, आज भी उनके पुस्तकों में वही है, उनके मजहब के पुस्तकों में। हालांकि उनके साइंटिस्ट बोल चुके हैं कि भूमि गोल है, लेकिन हमारा धर्म सनातन से कहते आ रहा है कि भूमि गोल है और सूरज के चारों ओर मंडराते रहता है। बस हम जरूरत से ज्यादा गोरे चिट्टे हो गए जीवन में, हम भी उस मोह माया में पड़ गए, रंग की मोह माया, अंग्रेज शब्दों की मोह माया, कुछ लोगों से अलग दिखने का मोह माया, महात्मा बनने की मोह माया, जिसमें अपनों को ही धर्म को कत्ल करने की सोच विचार है। आज कर्नाटका में मैं सबसे पूछती हूं, उर्दू भाषा को उन्होंने कंपल्सरी लैंग्वेज बना के रखते हैं। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सच्चाई सच्चाई को प्रकट कर बात करेंगे। मैं आपसे पूछती हूं, इन्हीं के राज्य में एक जगह आपने उर्दू को कंपल्सरी लैंग्वेज बनाया है, ठीक है, रखिए बाजू एक, और इन्हीं के मित्र पक्ष के लोग तमिलनाडु में कहते हैं हिंदी हमारा भाषा नहीं है, तो को उर्दू कौन सी हमारी भाषा हो गई बाबा। इनके दोस्त एक ही है, अब आप देखिए महाराष्ट्र में स्वयं जिस गठबंधन में प्रत्यर्थी है, उस गठबंधन में
को हत्या करने वाले भी हैं। अब आप बताइए, मेरे ये तो मेरे समझ से ऊपर और बाहर है, आप गो हत्या करने वाले से गठबंधन में हैं और आप फिर कहते हैं कि हम राम मंदिर जाएंगे, आप फिर ये कहते हैं हम हिंदूवादी हैं। मैं कहती हूं आप अवकाशवादी है, फायदा उठाने वालों में से है आप, लेकिन ये क्यों उठा पा रहे हैं? क्योंकि हम जैसे लोग सुनने के लिए मानने के लिए तैयार हैं। मैं कई बार सोचती हूं उंगली ऐसा उठाने के लिए, फिर बाद में दिखता है तीन तो मेरे तरफ है। राजनीति को छोड़िए, चलिए समझते हैं सब राजनीतिक में स्वार्थी है, क्या हमें भी स्वार्थी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बस इतनी आवाज, बाकी को नहीं होना है स्वार्थी? होना चाहिए। घर में बहू दामाद को अपने ही लोगों को लाना चाहिए, लाना चाहिए, तब स्वार्थी होना चाहिए, तो अपनों को जिताना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। आज अगर ये लोग उर्दू को अपना भाषा बना सकते हैं तो उसको उर्दू देश भी तो बना सकते हैं ना, है ना? क्यों कहेंगे या तो सभी लोग उर्दू बात करेंगे, जब सब उर्दू बात कर रहे हैं तो उर्दू देश बनना चाहिए। अच्छा, जब ये उर्दू देश बन गया है फिर आपसे सवाल करेंगे ये लोग, अब हम जनगणमना क्यों बोलना चाहिए, ये तो हमारी भाषा नहीं है। वंदा मातरम क्यों बोलना चाहिए, ये तो हमारा भाषा नहीं है। तब इन लोगों को क्या बोलेंगे ये लोग, तब पाठशालाओं में क्या सिखाएंगे ये लोग, बच्चे क्या सीखने लग जाएंगे, तो ये लोग आगे कौन बनेंगे, इनका परिवार आगे पीढ़ी कौन हो जाएंगे? इसी को देखकर बगल में जो तमिलनाडु है, पहले से ही जो एक दूसरे की दिशा पे जा रही है हिंदी भाषा और इस देश के व्यतिरेक में जा रही है, वो क्या करेगी? जब ये दो ऐसे हो जाएंगे उसका पीछे ऐसे केरला क्या करेगी? पहले से केरला फाइल्स तो तैयार है वहां पर, अब ये तीन ऐसा हो जाएंगे तो बचे हैं महाराष्ट्र और आंध्रा तेलुगु। भाई थोड़ा स्वार्थी बनो, निस्वार्थ देश बनाने के लिए, भाई थोड़ा स्वार्थी बनो एक निस्वार्थ देश बनाने के लिए, क्योंकि इतने सालों में हम भी अल्लाह के बड़प्पन को जानने की कोशिश की है, क्योंकि हम हिंदू हैं। हिम्मत है किसी में अपने राम और कृष्ण की बड़प्पन को जानने के लिए? हिंदू सही सलामत है तो हर मजहब सही सलामत है। यहाँ पर हिंदू धर्म सही सलामत है तो ये सेक्युलर के ठेकेदार भी सही सलामत है इस देश में। हालांकि इस देश में सेक्युलरिज्म था ही नहीं कभी। आर्टिकल 32A जो लोगों को माइनॉरिटीज को अपना ही मजहब का हर भाषा हर बात सिखाने वाले पाठशाला प्रारंभ करने का हक जो उन्हें देता है, हिंदू को तो देता ही नहीं। और ये कब हुआ, किसके राज्य में हुआ, किनको चुनने पर हुआ? वक्फ बोर्ड किसके राज्य में बना, किसको चुनने पर बना?
आज फिर अगर हम निकल पड़े उसी गलती करने के लिए तो अब की बार पीछे पलटने का मौका नहीं मिलेगा हम लोगों को। इस बात हमारा नहीं है आज उस छोटा नन्ना मुन्ना बच्चों के पीढ़ी के बारे में है आज ये बात। मत छोड़िए जायदाद, मत दीजिए जेवरात, लेकिन उनको एक सुरक्षित भारत तो दीजिए। जान है जहान है, कमा लेंगे बच्चे, इतने कमजोर नहीं है भारत के पीढ़ी। पूरा दुनिया विश्व को चलाने वाले बच्चे हैं भारत के बच्चे, चाहे वो कौन से भी मजहब के रहने दीजिए। इस धरती में है इतनी शक्ति, जो मजहब के दरार का गंदी बीज बोकर अपने राजनीति बनाने वालों को खत्म कर डालिए। अरे ताजुब की बात तो ये है, हम यहां आने से पहले एक मुसलमान परिवार हमारे पास आया था, पति पत्नी। तो हमारे यहां भी एक मुसलमान भाई मेरे साथ काम करते, तो उन्होंने उनसे सवाल करे, हमारी अम्मा तो हार गई है, अब आके क्या करेंगे आप, क्या कर पाएगी आपके लिए। हमारा एक मुसलमान भाई जो मेरा साथ काम करता है, उस मुसलमान परिवार से पूछे, तो उस मुसलमान परिवार ने जवाब दिया, देखिए सुनिए तो सही, ये सच्चाई है। ऐसे तो कई लोग हमारे जीते हुए साहब भी वोट मांगकर निकल जाते हैं, लेकिन पहली ऐसी नारी थी जिसने आकर कहा है जीत हार से आपको लेना देना नहीं है, आप जब भी कोई मुश्किल हो तकलीफ में आप मेरे पास आ जाइए। बस इस बात पर हम आए, उनके हर वीडियो हम सुनते रहते। अब आप बताइए सच्चाई क्या है। तुरंत हमने फोन उठाया है, उस पुलिस स्टेशन पे फोन किया है, और जो इनकी तकलीफ थी हम उसको हल दिया है, उसका रहम उसका दिखा दिया है। आप बोलिए अगर यही आप दूसरे जगह पे जाते क्या वो यही करते उनके लिए हमारे लिए। इसीलिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जिताना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस मात्र भावना हमारे अंदर है, जो पितृ भावना हमारे अंदर है, जो विश्व गुरु की भावना हमारे अंदर है, हम सबको अपने साथ लेकर चलते। इसलिए एक महान व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री जी कहे थे, सबका साथ सबका विकास। मजाल नहीं किसी में आज तक इतनी बड़ी एक अच्छा वाक्य कहने के लिए। बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। सरकारें बन रहे हैं, सरकारें टूट रहे हैं, सरकारें बन रहे हैं, सरकारें टूट रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो प्रगति हमने देखा है, जलते हैं ये लोग इस प्रगति से, जलते हैं कहीं इनके दुकानें परमानेंट बंद ना हो जाए, डरते हैं ये लोग कहीं सही में भारत विश्व गुरु न बन जाए, डरते हैं ये लोग कहीं हिंदू मुसलमान सही में एक ना हो जाए इस देश में, डरते हैं ये लोग कहीं जब ये दो मिल जाते हैं तो शायद दुनिया को राज करने लग जाएगी भारत। इसीलिए ये लोग दरार पैदा करने के लिए चंद गुंडों को तैयार करते हैं, इनकी गरीबी की फायदा उठाते हैं। जैसे आप एक शेर को नहीं, एक छोटे से जानवर को भी भूखा रखकर आप उसके बाद में छोड़ दीजिए, वो तो काटेगा खाएगा ही। सतर्क रहो हे भारतीय, सतर्क रहो, जागृत हो जाओ। ये सोने का समय नहीं है, ये लालसी रहने का समय नहीं है। बहुत चंद समय बचा है हमारे हाथ, उठ जाओ। 20 दिन कौन सी बड़ी बात है आज की जिंदगी में? आज तक जितना तुमने जीवन जिया है
सिनेमा देखते, व्हाट्सएप करते, मॉल्स जाते, ये करते वो करते, एक 20 दिन दे दो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखिए वेस्ट बंगाल, अपनी घर की जैसी लड़की है वो, क्या फर्क है वो लड़की में हमारी लड़की में, क्या न्याय नहीं मिलना था मृत्यु के बाद भी। हाथ जोड़ती हूं मत बनाइए और एक राष्ट्र ऐसा, दूर नहीं है ये, 20 दिन ही है समय आपके पास, दूर नहीं है, सिर्फ 20 दिन ही है आपके पास, और एक बंगाल बनाने के लिए मैं कह रही हूं आपसे। आपकी माधवी लता ताई आज रहेगी कल न रहेगी, लेकिन आप में हर एक को माधवी लता ताई बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। जो भी बड़े बड़े लोग हिंदुत्व के बारे में ऊपर नीचे बात करते हैं, वो इसीलिए बात करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म इतना प्यारा है, वो बात करने देता है, स्वेच्छा देता है, कहता है बात कर ले रे, तो तेरे बात करने से सूरज कम नहीं होता, रोशनी कम नहीं होती, अंधेरा है फिर तो फिर उजाला दिन भी आता है। मजाल है कोई दूसरे मजहब के बारे में कोई बात करे ऐसा, क्योंकि हम बात करने देते हैं, इसीलिए बात करने वाला करता है। जिस दिन हम तय कर ले कि बात करने वाला को बात करने नहीं देंगे, उस दिन 130 करोड़ लोग जानते हैं क्या करना है। हम तो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, संस्कार चाहते हैं, संस्कृति चाहते हैं, गरीबी को हटाना चाहते हैं, बहनों को अभिवृद्धि होना चाहते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलते कूदते एक ऐसा सुरक्षित भारत में, स्वच्छ भारत में पलना चाहते हैं, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़कियों को उनके बराबरी टक्कर देते हुए देखना चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास हर सवाल का जवाब है, बस जवाब हमें देना पड़ेगा, क्योंकि भारत मिट्टी नहीं है, भारत हम हैं, देश हमसे बनता है, हमारी एकता से बनता है। आप ही तो सोचिए, जिस प्रकार के गलत फहमियां प्रत्यर्थी लोग ने फैला रखे हैं, क्या दम है उनमें, बिल्कुल दम नहीं है उनमें, इतना ही क्यों। ये हमारे भाई भाव साहब बोए जो हमारे प्रत्यर्थी के हैं, अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है मेरे प्यारे भाई, हम आने से पहले हमारे बारे में आपकी इतनी चिंता हो गई है। अगर आपके सोच विचार स्वच्छ है, किस बात की डर है आपको, भले लोग आने दीजिए, भले लोगों को बात करने दीजिए, आपको क्या होगा, क्या जाने का है। अब आप आइए मेरे बगल में ठहर के बात करिए, हमें तो कोई इतराज नहीं है, बात करने के लिए आपके पास सच्चा ही रहना चाहिए, वो मेरा हिम्मत है, धर्म का पालन करने का हिम्मत रहना चाहिए, वो मेरा पहचान है। और मेरे भारत माता ने एक ही सिखाया है मेरे लिए कि उसके कोख से जन्मी मैं, मरने से पहले क्या मैं उसके लिए एक दिन भी अर्पित कर सकी या नहीं, मैं क्या मृत्यु के शैया के ऊपर
एक बड़ी शांति से आंख बंद करूंगी या नहीं, मैं तभी कर पाऊंगी ये काम जब मैं इस देश को, मेरा धर्म को और मेरे उज्जवल भारत को संरक्षण करने के लिए अपने आप को कम से कम एक दिन न्यौछावर कर सकूं। तो हम अपने बच्चों को अपने संस्कार देते हैं, अपने जायदाद नहीं। जायदाद बिखर जाते हैं, कच्चा हो जाते हैं। जो अपने पास रह जाता है वो प्यार और संस्कार है, और यही हिंदू धर्म है। ऐसे प्यार भरे, संस्कार भरे राजनीतिज्ञ को ही इस देश को चलाना चाहिए, कोई दूसरों को नहीं, क्योंकि ये सबका हित में है, ये सबका हित में है। शपथ तो वैसे बहुत सारे लेते हैं, आपको पता है, कई तो जय पालस्तीन का भी शपथ लेते हैं, लेकिन बताने दीजिए हम उन सारे लोगों को शपथ यानी संस्कृत में व्रत कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में प्रथम खंड में एक ऐसा श्लोक है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, तच्छकेयम् तन्मेराद्यताम्, तच्छकेयम् तन्मेराद्यताम्, इदमहमन्त्रतात् सत्यमुपैमि। इसका मतलब है, हे अग्नि, तू जो व्रत पते हैं, इसका मतलब है व्रत यानी शपथ, तू शपथ पालन करने वाला का भी अधिपति है तू। हे अग्नि, व्रत का पालन करने वाला का पिता पति है तू। आज मैं भी शपथ कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हर कार्यक्रम में अग्नि को साक्षी मानकर हम काम करते हैं। तो उस वक्त हिंदू कह रहा है कते सनातन कि हे अग्नि, तू जो शपथ का पति है, मैं तेरे सामने अपने शपथों का मैं स्वीकार करता हूं। मुझे इतना क्षमता दो कि ये शपथ मेरे अंदर चले जाए और तू जैसा अग्नि होकर भी जलता है अग्नि में, तू अग्नि होकर भी अग्नि में जलकर शपथ को निभाता है। कौन सा है अग्नि का शपथ निभाना? हमारा शपथ, हमारा जो चाहत है, हमारा जो इच्छाएं हैं, उनको भगवान तक पहुंचाने का काम अग्नि स्वयं जलते जलते करता है। ऐसे ही शक्ति दे मुझे कि झूठ जब भी मेरे सामने आता है, झूठ जब भी मेरे सामने आता है, मैं भी तेरे ही तरह उस झूठ को निकालने के लिए जलकर इस सत्य को, इस शब्द को अपना लूं। ऐसा शपथ हम हर हिंदू लेते हैं अग्नि के सामने। ये है सनातन धर्म, ये है हिंदू धर्म। ऐसा एक शपथ लेता है एक ऐसा भयानक राक्षस जिसकी ऐसी हिम्मत कि संसद में जय पालस्तीन कहता है, अगर उसके किसी भी प्रत्यर्थी को अगर हम वोट डाल रहे हैं, लालच है हमारे जीवन पर कि हम अपने हाथ से ही इस देश का गला घोटने पे उतरे हैं, उसके बाद शायद हजारों माधवी लताएं आए, कोई फायदा नहीं है। ये
यही बात कहने पर किसी दूसरी देश ने उखाड़ के फेंक दिए हैं उनके नगरवासियों को। देश को, देश का पालन को हम अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसका मतलब है हमको चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए है, हमको चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए है, हम उनको शक्ति देना पड़ेगा जो हमको शक्ति देंगे, हम उनको ठहराना पड़ेगा जो हमारे लिए अग्नि के जैसे जल जाएंगे लेकिन अपने शपथ पे ठहरेंगे। जय श्री राम। स्वयं रामचंद्र भी बताएं आपको क्यों वनवास पे गए थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पिता से प्यार करते हैं, वो इसलिए वनवास को गए थे क्योंकि एक अच्छा राजा वही है जो पहले एक अच्छा नागरिक है, एक अच्छा नागरिक वही है जो राजा का बात सुनता है। तो दशरथ महाराज के पुत्र होने से पहले वो उसके नागरिक है अयोध्या के, इसीलिए उन्होंने ठान लिए थे कि अगर मैं आज इनका पालन न करते हुए राज को अपना लूंगा तो मैं कहां एक अच्छा नागरिक बना, जो अच्छा नागरिक ना बन पाया अच्छा राजा कहां बनूंगा, जब अच्छा राजा नहीं बनूंगा तो मेरे नागरिक अच्छा नागरिक कैसे बनेंगे। भले 14 साल वनवास क्यों ना करना पड़े लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर मैं वापस आऊंगा ताकि एक अच्छा राजा बन सकूं मैं, इसीलिए उसको राम राज्य कहते हैं। उनके हाथ शक्ति और सरकार मत दीजिए जो कभी राम लल्ला के वारिस बनने के लायक ही नहीं है। क्या फायदा उस टीके का जो आप मंदिरों में जाके लगाते फिर आके रावण को इधर वोट डाल रहे हैं आप। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बस अकलमंद को इशारा ही काफी है। जब भी हम महाराष्ट्र आते हैं हम कह नहीं सकते हैं कि हम अपने आप को कितने बार ये सवाल करते हैं कि शायद हम महाराष्ट्र की बेटी होते तो कितना अच्छा होता। बचपन से ही हमको छत्रपति शिवाजी महाराज का तलवार बहुत प्यार है। उनका बैठने का वो ढंग, उनका पैर गद्दी पे रखने का वो शान, वाह इतने भाग्यशाली हो आप सब जो बार बार कह सकते हो शिवाजी हमारा है। उसी शिवाजी महाराज पे शपथ ले लीजिए कि महाराष्ट्र पे हिंदू साम्राज्य बनाकर ही रहोगे आप लोग। ये इनकम्बंसी बनकम्बंसी ये कम्बंसी को अंग्रेजों को छोड़ दीजिए, ये हमारे पास नहीं चलते हैं, ये सब फाड़ दीजिए पर्र बोलकर उसको, नहीं चलते हमारे पास। एक भी अच्छी बात नहीं दी ये लोग हमको, डाइवर्स गंदी बात फट, लिविंग इन रिलेशनशिप एक भी अच्छी बात नहीं दी इन लोगों ने हम लोगों को, हमारे पूरे वेद पुस्तक को लेकर भाग गए, पूरा सीखा उसके अंदर से, मेरी बिल्ली मेरे को मियाओ हो रहा आज। ये हिंदू साम्राज्य बनेगा तभी जाकर यहां का पशु पक्षी भी संरक्षित रहेंगे। तो
क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा ही धर्म है जिसने कहा है कि पशु पक्षी में भी भगवान बसते हैं, इसलिए हम सांप तक नहीं मारते हैं। इसलिए आप सबको जागृत होना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे गम से, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे गम से, भूल कर भी कोई भूल होना। तो महाराष्ट्र को आपको सौंप के निकल पड़ रहे हैं इसी उम्मीद से कि आप जिता कर हमें फिर बुलाएंगे। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। छोटी सी इच्छा है कि हम राम बाण छोड़े। ओ काका काका ओ हवा दला ना बस खाली। हिंदू का ही जीत होकर ही रहेगा। यानी कि आपको पूरा
पूरा विश्वास है कि बीजेपी इस बार पूरे लेयर मेजोरिटी में आएगी, उनके जो साथ पक्ष है उनके साथ। हाँ, पक्का, क्योंकि भाजपा उनके साथ नहीं देती है जो जय पालस्तीन कहते हैं, भाजपा सिर्फ उन्हीं के साथ देती है जो जय भारत कहते हैं, भाजपा उनके साथ नहीं देती है जिनको जय भारत कहने में कठिनाई होती है या पीड़ित बन जाते हैं, भाजपा उन्हीं के साथ देती है जो देश के लिए जीते हैं मरते हैं। इसलिए महाराष्ट्र को पता है कि भाजपा को ही जिताना है, ये हमको कहने की जरूरत भी नहीं है। तो भाजपा की जीत होती है तो आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सीएम बननी चाहिए जी? इसका निर्णय लेने वाले हमारा अधिनेता है, हम सिर्फ देश के हित में, हिंदू के हित में, धर्म के हित में काम करने वाले हैं और कुछ निर्णय बड़ों को छोड़ देते हैं। लगातार जनता एनआरसी की मांग हो रही है कि घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए, महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिया है, लेकिन जो भाजपा के नेता जो है उसका खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं। भैया हिंदुत्ववादी के को वाक्य को समझना पड़ेगा पहले, हिंदुत्ववादी कहते हैं हम अपने आप को, इसका मतलब है हिंदू धर्म जो शांति जो भाईचारा को मानता है उसको हम मानते हैं, इसलिए इसको हिंदुत्ववादी कहते हैं। घुसपैठियों के बारे में क्या कहें? जो घुसपैठियां यहाँ पर आए हैं उनका हल महाराष्ट्र के कहीं युवा छत्रपति शिवाजी महाराज उनको छोड़ दीजिए, जीत लेंगे तब भाजपा को भी पता है कौन से समय में क्या काम करना चाहिए, इतना तो तय है, इसको बंगाल तो बनने नहीं देंगे।